हाय फ्रेंड्स, हमारे चैनल डेली हेल्थ टिप्स पे आपका स्वागत है। अगर आपको लगे कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो आप इस वीडियो को लाइक करना और साथ ही इसे अपने सोशल मीडिया पर भी ज़रूर शेयर करना। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं डायस्टेमा यानी कि दांतों के बीच का गैप क्या होता है और साथ ही इसके कारण और साथ ही उपचार के बारे में भी जानेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, दांतों के बीच का गैप या फिर डायस्टेमा कोई पीड़ादायक या फिर पेनफुल बीमारी नहीं है, लेकिन फ्रेंड्स इसका होना व्यक्ति की सुंदरता या फिर ब्यूटी पर असर पड़ता है। जी हाँ, लोग इसे अपनी सुंदरता में दाग मानते हैं। तो आइए जानते हैं दांतों के बीच के गैप्स के कारण और साथ ही इसके उपचार के बारे में। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम डिटेल में जानते हैं डायस्टेमा क्या है। डायस्टेमा फ्रेंड्स एक अंतर या फिर दांत के बीच के गैप को संदर्भित करता है। ये स्थान दांत में कहीं भी बन सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये गैप ऊपर के दो दांतों के बीच देखने को मिलता है। और फ्रेंड्स, इस प्रॉब्लम से बच्चे और साथ ही बूढ़े या फिर यंगस्टर्स कोई भी प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि फ्रेंड्स, बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं ये गैप धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। कुछ गैप बहुत ही छोटे होते हैं जिन्हें नोटिस करना बहुत ही मुश्किल होता है, जबकि फ्रेंड्स कुछ गैप इतने बड़े होते हैं कि जो कुछ लोगों के लिए खूबसूरती की प्रॉब्लम भी बन जाती हैं। यदि आपको गैप दिखता है तो आपको इसे बंद करने के तरीकों या फिर उसके आकार को कम करने के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स जब आपके दांतों के बीच किसी भी तरह का गैप नहीं होता है तो यह आपके ब्यूटी को और भी एनहांस करेगा और साथ ही आपको देगा एक ब्यूटीफुल स्माइल विद कॉन्फिडेंट। सो फ्रेंड्स, चलिए अब जान लेते हैं डायस्टेमा के कारण यानी कि दांतों के बीच के होने का कारण क्या होता है। डायस्टेमा या फिर दांतों के बीच के गैप के लिए एक फैक्टर नहीं है, बल्कि फ्रेंड्स कई सारे पोटेंशियल फैक्टर्स योगदान देते हैं। कुछ लोगों में ये स्थिति उनके दांतों और साथ ही उनके जबड़े की हड्डी यानी कि जॉ बोन के आकार से संबंधित होती हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, क्योंकि जब एक व्यक्ति के दांत जबड़े की हड्डी के लिए बहुत छोटे होते हैं तब ये गैप उनको हो सकता है। वैसे आपके दांतों और साथ ही जबड़े की हड्डी का आकार जेनेटिक भी हो सकता है। और तो और फ्रेंड्स, कई बार तो बच्चों की गलत आदत भी दांतों के बीच इस तरह के रिक्त स्थान का कारण बन सकती हैं। जो बच्चे अपने अंगूठे यानी कि थंब को चूसते हैं इससे उनके दांतों के बीच गैप बन सकता है, क्योंकि दरअसल बच्चे के अंगूठे चूसने की आदत की वजह से नए दांत निकलते समय मसूड़ों पर दबाव पड़ता है और साथ ही दांत टेढ़े मेढ़े निकलने लगते हैं या फिर उनके बीच में गैप भी हो सकता है। और तो और फ्रेंड्स, कई बार मसूड़ों के किसी रोग या फिर इन्फेक्शन की वजह से भी दांतों के बीच गैप की प्रॉब्लम हो सकती हैं। इससे फ्रेंड्स आपके दांतों को नुकसान और साथ ही दांतों के बीच गैप भी हो सकता है। गम रोग के लक्षण जैसे कि फ्रेंड्स लाल और साथ ही सूजा हुआ मसूड़ा, हड्डियों का नुकसान, ढीले दांत और साथ ही मसूड़ों में रक्तस्राव शामिल है। और तो और फ्रेंड्स, कई बार बचपन से डायस्टेमा नहीं होता है मगर बाद में खाने की गलत आदत की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती हैं। कुछ बच्चे जब गलत तरीके से खाना खाते हैं या फिर खाना खाने के दौरान उनकी जीभ सामने के दांतों पर लगातार टकराती है तो धीरे धीरे दांतों के बीच गैप हो जाता है। जी हाँ, और फ्रेंड्स इस प्रॉब्लम को डेंटिस्ट टंग थ्रस्ट भी कहते हैं। दोस्तों, सब्सक्राइब करें डेली हेल्थ टिप्स को, ये बिल्कुल फ्री है, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप देख सकें हमारा वीडियो सबसे पहले। सो फ्रेंड्स, चलिए अब जान लेते हैं डायस्टेमा का उपचार। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि डायस्टेमा का उपचार आप नेचुरल तरीके यानी कि होम रेमेडी से नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको डॉक्टर से ही ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा। आपको इसके लिए क्या ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं मैं आपको ये बताऊंगी। फ्रेंड्स, आमतौर पर डायस्टेमा के लिए उपचार की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि फ्रेंड्स ये कोई ऐसा रोग नहीं है जिसकी वजह से व्यक्ति को शारीरिक परेशानी हो। मगर फ्रेंड्स, इसे ठीक करने के लिए आड़े तिरछे दांतों और साथ ही दांतों की फिलिंग के लिए तारों और साथ ही ब्रेसेस की मदद से दबाव डाला जाता है ताकि फ्रेंड्स वो एक सीधे में आ जाएं और साथ ही उनके बीच का गैप भी भर जाए। और फ्रेंड्स, ये ट्रीटमेंट थोड़ा सा लॉन्ग होता है बट आपके टीथ को मिलेगा परफेक्ट शेप, क्योंकि एक नेचुरल ट्रीटमेंट है और इसमें आपको 6 मंथ्स का टाइम लग सकता है। एंड एक परमानेंट ट्रीटमेंट रहेगा जिससे कि आपकी स्माइल बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखेगी। नेक्स्ट वाला ट्रीटमेंट है फ्रेंड्स कैपिंग। जी हाँ, कैपिंग या फिर सिरेमिक क्राउन्स होते हैं जिसके हेल्प से आप अपने गैप को कम्प्लीटली फिल कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, जब डेंटिस्ट आपके टीथ में कैप फिलिंग या फिर सिरेमिक क्राउन की फिलिंग करते हैं तो वो आपके टूथ से मैचिंग करता हुआ कलर एंड साइज को देखकर बनाते हैं, जिसे फिल करने के बाद आपके टीथ कम्प्लीटली नेचुरल दिखते हैं और आप इसमें परमानेंट एंड साथ ही साथ टेम्पररी दोनों में से कोई भी कैपिंग करवा सकते हो। और फ्रेंड्स, ये वाला ट्रीटमेंट बहुत कम टाइम में ही कम्प्लीट हो जाता है। और फ्रेंड्स, अगर आपके टीथ में बहुत ज़्यादा गैप होता है तो आप इसे कुछ कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स जैसे कि फ्रेंड्स कॉम्पोजिट फिलिंग के जरिए दूर कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर पीछे वाले दांतों में गैप है तो फिलिंग या फिर क्राउन के जरिए आपके दांतों को भर दिया जाता है,
लेकिन अगर गैप सामने वाले दांतों में है तो कॉम्पोजिट मटेरियल के जरिए भरा जाता है। ये सुरक्षित है, लेकिन फ्रेंड्स इसके लिए दांतों की सरफेस को थोड़ा सा घिसना पड़ता है। एक बार कराने के बाद आपको आगे भी ये ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है, क्योंकि ये जो कॉम्पोजिट फिलिंग होती हैं ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती हैं। अगर आप कोई हार्ड मटेरियल अपने फ्रंट वाले टीथ से खाते हो देन वो सिरेमिक ब्रेक होने के चांसेस हो सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स अगर आप ध्यान रखेंगे और साथ ही थोड़ा केयरफुल होकर कोई भी चीज़ को खाएंगे तो 10 साल भी ये ट्रीटमेंट बरकरार रह जाता है। ये टेम्पररी है बट फ्रेंड्स बहुत ही यूज़फुल ट्रीटमेंट है, इसीलिए आप इसे भी करवा सकते हो और आपकी स्माइल भी बहुत ही अच्छी हो जाती हैं। और तो फ्रेंड्स ये ट्रीटमेंट क्रैक दांत यानी कि क्रैक किए हुए जो दांत होते हैं उसे ठीक करने के लिए भी हेल्पफुल है। और फ्रेंड्स अगर आपके दांतों के बीच का गैप की वजह मसूड़ों या फिर गम्स का कोई रोग है तो सबसे पहले उस रोग को ठीक करना चाहिए। जी हाँ, डायस्टेमा होने के कई सारे कारण हो सकते हैं, इसीलिए फ्रेंड्स सबसे पहले इसके कारणों को जानकर इसका ट्रीटमेंट करवाना ठीक रहता है। गम्स में इन्फेक्शन होने की वजह से दांतों के बीच गैप लगातार बढ़ता रहता है, इसीलिए अगर आपको इन्फेक्शन है तो आप तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। साथ ही फ्रेंड बच्चों में बचपन से ही अंगूठा यानी कि थंब और साथ ही उंगलियां चूसने की आदत को खत्म करने का प्रयास करना चाहिए। इसके अलावा बच्चों को खाने का सही तरीका सिखाएं और साथ ही उन्हें खाना अच्छे से चबाकर खाने को कहें। दांतों की साफ सफाई भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फ्रेंड कई बार दांतों में जमे प्लेक की वजह से भी इन्फेक्शन फैल जाता है जिसकी वजह से भी गैप हो सकता है। इसीलिए अगर आपको किसी भी तरह का इन्फेक्शन है तो आप ऐसे में डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। सो फ्रेंड्स ये थे डायस्टेमा क्या होता है और साथ ही इसके कारण और साथ ही उपचार। अगर आपके भी दांतों के बीच में गैप है तो आप इनमें से किसी भी तरह का ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। सो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक और न्यू हेल्थ अपडेट के साथ। तब तक के लिए यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय।